हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सम एग्जाम में खतरनाक आता, राइट? तो फिर इसमें अपन इशू भी करना है, डिबेंचर भी देना है। तो अपने को ऐसे ना, अभी इधर छः अलग अलग लाइन दिए, इशू 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 6 बार बोला, इशू एट पार, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, फिर प्रीमियम, तो ऐसा कुछ दिया है। तो फिर हमने क्या किया, 6 की 6 लाइन है ना, अलग से लिख दिया है। अब एक एक को बारीक से समझा दो, राइट? तो इधर कंपनी ने कितना डिबेंचर भेजा है, 1000 का, और डिबेंचर 100 रुपये का था, कितने का होता है सब में। तो फर्स्ट लाइन पड़ेगा ना, इधर बोला इशू एट पार, रिपेबल मतलब रिडेम्पशन एट पार, 100 मतलब पार। इधर इश्यू एट डिस्काउंट, रिपेबल एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, रिपेबल एट पार। तो इधर पे चारों में ना जो रिडेम्पशन है ना पार है, तो मतलब इजी है। और फिर इधर क्या बोला चाहता है, इश्यू एट पार बट रिपेबल एट प्रीमियम बोला है, इश्यू एट डिस्काउंट फिर प्रीमियम, प्रीमियम फिर डिस्काउंट, मतलब क्या इधर लास्ट में प्रीमियम आ गया, तो इधर चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले याद करो, डिबेंचर का समय इशू है, पहला क्या करते हैं, बेचते फिर रिटर्न करते हैं, बेचते रिटर्न करते हैं। तो सब में ना 6 एंट्री कॉमन डाल दो, 6 एंट्री क्या कर दो, जहाँ जहाँ इशू दिखेगा, बैंक टू डिबेंचर्स, 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 बैंक टू डिबेंचर्स। अभी हम लोग फर्स्ट ये वाला सॉल्व करेंगे, जब तक ये सॉल्व नहीं का आगे नहीं जाएंगे, राइट? तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर बोला है वही 1000 शेयर इशू एट पार, क्या बोला है, और रिपेबल एट पार, लिया भी पार, दिया भी पार में, लिया भी पार में ना, इशू शेयर भी दिया और डिबेंचर पार में बोला। तो फिर पार में बोलेगा तो कुछ ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा, अगर डिस्काउंट रहेगा तो डेबिट डालने का, प्रीमियम रहेगा तो क्रेडिट डालने का। तो इसमें एकदम सिंपल, कितना शेयर बेचा, 1000 डिबेंचर 100 के हिसाब से, तो 1 लाख क्या हो जाएगा डेबिट, और 1 लाख क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो फिर नरेशन क्या लिखने का, यही लिख देने का है ना, सेम ही बिंग शेयर इशू एट पार एंड रिपेबल एट पार, यही क्वेश्चन को क्या डाल दिया तुम्हारा, नरेशन हो गया। तो समझा आयुष पांजरापुर, समझा, चला दो। अभी नेक्स्ट क्या है, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट डिस्काउंट, रिपेबल एट पार, जब तक पार है तो टेंशन नहीं लेना है, रिपेबल एट प्रीमियम है तो थोड़ा वरी वाला है। तो मतलब जो 100 की चीज है, अपन ने ना क्या किया, 5 रुपया डिस्काउंट दिया उसको, दोस्त है ना वो बोला अरे भाई अपने को डिस्काउंट, तो 100 की चीज थी, मैंने बोला चल ठीक है 5 कम दे, तो अपन ने उसे 95 लिया, कितना लिया 95, 5 रुपया अपना लॉस हो गया ना। तो डिस्काउंट अपन ने डिस्काउंट में दिया, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, क्या लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने का था मालूम है, 1000 डिबेंचर था, राइट, 100 के सबसे, तो कितने का डिबेंचर था, 1 लाख, और डिस्काउंट कितना रुपये दिया, 5 रुपया, डिस्काउंट कितना दिया, वो डेबिट में आएगा, तो बचा कितना बैलेंस, 95,000, अपने को कितना रुपया मिलेगा, 95 के हिसाब से 95,000। तो बिंग डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट रिपेबल एट पार, ये भी बेसिक हो गया दोस्त, समझा, डिस्काउंट कितना रहेगा डेबिट में, डिस्काउंट कितना रहेगा डेबिट में। अभी क्या बोला है, इश्यूड एट प्रीमियम रिपेबल एट पार, पार बोला है इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया, पर प्रीमियम बोला है, क्या बोला है, अब जो दुकान में मेरा दोस्त नहीं है, क्या मालूम कौन है, तो मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया, क्या लिया, 100 का चीज़ था 5% एक्स्ट्रा लिया, मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो इधर मेरा फायदा हो रहा है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा लेना, डिस्काउंट मतलब कम करना। तो फायदा होता है ना तो आपको क्रेडिट में लिखने का रहता है, किधर लिखने का रहता है, क्रेडिट में, फायदा होता तो किधर लिखने का, क्रेडिट में, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। अभी कैसे लिखने का, कितना डिबेंचर बेचा था, 1000, कितना डिबेंचर बेचा था, 1000, तो 1000 लिखा, 1000 लिखा, 1000, डिबेंचर हमेशा 100 का होता है ना, मतलब 1 लाख का था, राइट, एक्स्ट्रा कितना रुपया लिया, 5, तो 5000 एक्स्ट्रा लिया, तो टोटल कितना आएगा, 105, मतलब 105,000 डेबिट हो जाएगा, 105,000 बिंग शेयर इशू एट प्रीमियम एंड रिपेबल एट पार। तो ये बेसिक हो गया इधर तक, राइट। अब ध्यान से सुनना है, अब ये खतरनाक है बच्चे लोग, ओके, शेयर तो दिया था पार में, पर रिटर्न करते वक्त हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया, प्रीमियम में दिया, मतलब लिया 100 है और दिया 105 है, लिया 100 है समझो और दिया कितना है, हमने कर्जा 100 रुपये लिया और दे रहे 105, इधर लॉस होएगा, फिर क्या होगा अपना, लॉस है। तो पहले बेसिक एंट्री लिखेगा, पैसा आ रहा है डिबेंचर जा रहा है, क्या लिखने का, तो डिबेंचर कितना था, 1000, और कितने का था, 100 का था, तो कितना हो गया, 1 लाख, कितना हो गया, 1 लाख, और इश्यू है ना, इश्यू एट पार बोला, क्या बोला है, तो फिर एक आएगा भी तो 1 लाख, पहले मैंने इतना ही पढ़ा है भाई, देखो ना इश्यू एट पार है ना, सेम लिखा इश्यू एट पार। अभी किस पे किया अपन ने, प्रीमियम में, किस पे किया, तो प्रीमियम किधर लिखेंगे आप लोग, नीचे लिखेंगे, किधर लिखेंगे, ये क्यों लिख रहे, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा, इधर लिखना करेगा प्रीमियम ऑन, क्या लिखेंगे, ऑन रिडम्पशन, क्या लिखेंगे, ऑफ डिबेंचर, क्या लिखेंगे, ऑफ डिबेंचर, कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 5 रुपया, मतलब 5000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्रेडिट में कितना, 1,05,000, और डेबिट में कितना है, 1 लाख, तो क्रेडिट क्या हो गया, ज़्यादा, तो डिफरेंस डेबिट में है ना,
तो वो लॉस हो गया, क्या हो गया loss. तो फिर डेबिट में मतलब एक लाख देने का था, अपन ने 5,000 एक्स्ट्रा दिया, तो 5,000 अपना क्या गया, लॉस हो गया. फिर लॉस को डेबिट में ऐसे लिखेंगे, लॉस ऑन क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. अभी सब में लॉस लॉस आएगा, डेबिट करते रहना रहेगा. ये किधर आ जाएगा, डेबिट में. तो नरेश क्या लिखेंगे मालूम है क्या, बींग शेयर बींग इशू ऑफ 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार्ट बट रिपेबल एट प्रीमियम, ये वो टारगेट डाल देने का था. अब ये करूँगा तो ये भी डाउट क्लियर रहेगा. इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, इशू एट डिस्काउंट ऑफ 5%, कितना डिस्काउंट बोला है, रिपेबल एट 5% प्रीमियम में, बाद में छोड़ो इतना पढ़ लो ना, इशू एट डिस्काउंट बोला, क्या बोला है, तो मैंने डिस्काउंट में क्या बोला, पैसा आ रहा है डिबेंचर जा रहा है, बीच में क्या आएगा डिस्काउंट, बीच में क्या आएगा डिस्काउंट, पहले उतना एंट्री लिख लेता राइट. तो डिबेंचर था 1,000 का, 100 के हिसाब से बोलेगा तो 1,00,000 कितना हो गया, 1,00,000. तो अभी अपन ने क्या किया, डिस्काउंट किया, क्या किया, तो इधर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, क्या लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, तो 1,000 डिबेंचर पे 5 रुपये डिस्काउंट दिया, कितना दिया, मतलब 5,000. तो अपने पास कितना रुपया आएगा मालूम है क्या भाई, 95 आएगा, कितना आएगा 95. ये तो बेसिक एंट्री हो गया सिंपल. अभी इधर क्या बोला मालूम है अपने को, अपने क्या किया, रिपेबल किस में किया, प्रीमियम में, कितना प्रीमियम बोला है, वो नीचे लिखने का, क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, कैसे लिखेंगे, प्रीमियम ऑन, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या लिखेंगे ऑफ डिबेंचर, कितना रुपया बोला, 5 रुपया, मतलब वही 5 रुपया, मतलब 5,000, कितना है, अभी 1,05,000 है और ये 1,00,000 है, ये कितना है, 1,00,000 और ये 1,00,000, तो ये नीचे वाला ज़्यादा हो गया ना, तो 5,000 का डिफरेंस इधर है, ये 5,000 अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस. इधर लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो कितना लॉस हो गया अपने को, 5,000. तो ये आंसर आ रहा है, कैसे आंसर आ रहा है, प्लस माइनस करके कैसे आ रहा है, ये टोटल से टोटल क्या कर रहे हैं, माइनस. वैसे लास्ट वाला भी है सेम, इश्यू एट प्रीमियम रिपेबल एट प्रीमियम, 5% एक्स्ट्रा लिया, 10% एक्स्ट्रा दिया. तो पहले इतना सॉल्व करते हैं ना, क्या बोला है, इश्यू एट प्रीमियम, क्या बोला, इश्यू एट, तो जब भी प्रीमियम आएगा ना क्या आएगा, तो आपको क्या लिखने का, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखने का इधर, प्रीमियम, क्योंकि हमने इश्यू करते हुए प्रीमियम लिया, मतलब 1,000 डिबेंचर था, कितना था 1,000, तो 100 रुपये का होता डिबेंचर, मतलब 1,00,000 का था डिबेंचर, कितना का था 1,00,000, तो इस पर 5% लिया, कितना परसेंट लिया, जब 5% बोला तो अमाउंट पे 5% निकाला, तो कितना हो गया 5,000. तो अपने पास कितना रुपया है, 1,05,000, कितना है, पर अपन ने कितना परसेंट दिया, 10% एक्स्ट्रा दिया ना, तो फिर नीचे के लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, कैसे लिखेंगे, प्रीमियम, क्या लिखेंगे, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो कितना परसेंट बोला, 10%, तो 1,00,000 पे 10% निकालने का, किस पे, 1,00,000 पे, तो 10,000 हो गया, कितना हो गया 10. अब इसको ऐड करेंगे तो ये 1,00,000 कितना हो गया भाई, 15, और ये 1,05,000, 1,15,000, 1,05,000, तो डिफरेंस कितना है, 10,000 है, ये 10,000 क्या हो गया अपना, लॉस हो गया, उसके लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, है ना, ये अपना आंसर बैलेंस कर गया, क्या कर गया, बैलेंस कर गया. तो इस तरह अपने को सम सॉल्व करने का था राइट. तो I have tried my best level, my dear student. ऐसे यूनिवर्सिटी वाले को सब ना ये आया था क्वेश्चन, ऐसे चिल्लर लिख किया था, 1, 2, 3, 4 लाइन से लिखा था, 6 लाइन या 5 लाइन लिखा था, 20 मार्क के लिए आया था, कितना मार्क आया था, 20. कॉलेज वाले को 5 मार्क के लिए आ सकते, इशू रिपेबल, इशू रिपेबल, इशू रिपेबल, मतलब ये वाला सब है, मतलब छोटा सम भी आ सकता है तुमको, कॉलेज वाले 8 मार्क का दे देंगे, कितना मार्क का दे देंगे, ये तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ये वाला ट्राई कर लेना ठीक है. थैंक यू वेरी मच.